केंद्र सरकार को विमुद्रीकरण निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देछंती। या सहित कोर्ट समस्त पिटिशन को खारज करिसेंती। सरकार एवं आरबीआई मध्य 6 मास धरी आलोचना होइथिबा नै सुप्रीम कोर्ट कहिसेंती। गोटेपटे सुप्रीम कोर्ट केंद्र को क्लीन चिट देथिबा बेले विमुद्रीकरण विचार पई गठित संवैधानिक पीठ दुई भाग होछि। जस्टिस बीआर गवाई, एस बोपन्ना, बी राम सुब्रमण्यम, बीबी नागरत्ना एवं एस अब्दुल नाजिर प्रमुख यह पीठ में सामिल थे। मात्र विचारपति नागरत्ना केंद्र सरकार को विमुद्रीकरण निष्पत्ति बेआईन बोली से कहते। जस्टिस नागरत्ना कहते जे केंद्र सरकार को निर्देश रे समस्त सीरीज नोट को प्रचलन प्रत्याहार करने एक गुरुतर विषय। या सहित जस्टिस कहते जे विमुद्रीकरण निष्पत्ति एक बिल माध्यम होगा उचित था। केंद्र सरकार को विज्ञप्ति एपरी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति संसद में रखा जरूरी था। आरबीआई देथिबा रेकर्डरू यह स्पष्ट होइछि जे रिजर्व बैंक स्वतःप्रत भाव में कौन निष्पत्ति नहीं, किंतु केंद्र सरकार को इच्छा अनुसार सबकिछि घटी। विमुद्रीकरण निष्पत्ति मात्र 24 घंटा मध्य नि। जस्टिस नागरत्ना जे केंद्र सरकार प्रस्ताव उपरे रिजर्व बैंक देथिबा परामर्श को आईन अनुसार दि जाइथिबा सुपारिश भाव में बिवेचना करा जाय परिबो नाही। आईन रे आरबीआई को दि जाइथिबा क्षमता अनुसार कोनोसी मुद्रार समस्त सीरीज उपरे प्रतिबंधक लगा जाय परिबो नाही, कारण धारा 26(2) अनुसार कोनोसी सीरीज रो अर्थ समस्त सीरीज नुहे। तेबे पीठर अन्य 4 जण विचारपति विमुद्रीकरण उपरे प्रतिबंधक दाखल होइथिबा 58 आवेदन को खारज करी सुप्रीमकोर्ट विमुद्रीकरण को आईनगत बोली घोषणा करछथि। ब्यूरो रिपोर्ट डुमानी टीवी।